सबया एयरपोर्ट का यह स्थान नए साल में के अवसर पे पिकनिक स्पॉट के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दूर दराज से लोग आते हैं, युवाओं की टोली आती है जो यहाँ पे पिकनिक मनाते हैं। इसके अलावा लोग चुनाव के समय बड़े जो राजनीतिक दलों के नेता आते हैं उनकी आम सभा के लिए भी इस जगह का उपयोग किया जाता है। वह सामने जो बिल्डिंग है वहाँ कुछ दिनों तक हथुआ अनुमंडलीय कार्यालय भी चालू हुआ था। जब हथुआ को अनुमंडल का दर्जा दिया गया था तो कार्यालय की स्थापना इसी सबेया एयरपोर्ट के पास जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसमें इसकी स्थापना की गई थी, जो बाद में यहाँ से स्थानांतरित होकर चला गया हथुआ। और सबेया एयरपोर्ट को चालू करने के लिए लंबे समय से मांग की जाती रही है। पिछले कई दशकों से सोशल मीडिया पर भी इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। आजकल जिले के सांसद जनक राम ने हवाई अड्डा को चालू करने की मांग संसद में भी उठाई थी, जिसके जवाब में बताया गया था कि अगर बिहार सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC देती है तो केंद्र सरकार सबेया एयरपोर्ट को विकसित व चालू करने के लिए प्रयास करेगी। इसके बाद से बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी ने भी इसको विधानसभा में उठाया था, जिसके बाद से इस एयरपोर्ट को चालू करने के लिए बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार के पास अनुशंसा भेजी गई थी। अनुशंसा के बाद रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना में बंद पड़े जो सबेया एयरपोर्ट को भी शामिल किया गया है। यह एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत सूची में भी शामिल है। देश के 26 हवाई अड्डों की सूची में हथुआ का सबेया एयरपोर्ट का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री की पहल पर जो उड़ान योजना कुछ समय पूर्व शुरू की गई थी, इस योजना के तहत 1 घंटे के हवाई सफ़र का अधिकतम किराया 2500 रुपये तय किया गया है। यह पूरा एयरपोर्ट 517 एकड़ की एरिया में फैला हुआ है और इसका निर्माण जो हुआ था ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। विश्व युद्ध के समय वायुसेना के विमानों के आवागमन हेतु इसका निर्माण किया गया था। इस हवाई अड्डे का स्वामित्व भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है। वर्तमान में यह हवाई अड्डा पूरी तरह उपेक्षित है। इस हवाई अड्डे का एक बड़ा हिस्सा या यूं कहिए कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही अतिक्रमण कारियों के कब्जे में है। इस एयरपोर्ट पे खेती होती है, यहाँ खेती हो रही है, बस गए हैं, गांव भी बस गए हैं, वहाँ पे लड़के क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्रिकेट का बाइकर्स भी आते हैं, यहाँ पे कार सीखने के लिए भी आते हैं, बाइकर्स आते हैं जो यहाँ पर रेसिंग करते हैं इसी पटरी पर। यही वो पीच है, मतलब हवाई अड्डे का जो इसी पे प्लेन लैंड करता है या फिर उड़ान भरता है, दौड़ता है। इस एयरपोर्ट पर ही कई सारे गांव बसे हुए हैं। ये बगल में चीन बाज़ार है जो पूरी तरह बाज़ार और गांव कहिए जो सिर्फ कांदघोपी पंचायत का एक बड़ा हिस्सा सहवा चक है, ये भी इसी एयरपोर्ट पे ही बसा हुआ है। अगर इस एयरपोर्ट को चालू किया जाता है दोबारा तो काफ़ी विकास होगा इस क्षेत्र का। ऐसा एक अनुमान है कि लगभग 30 लाख के करीब लोग खाड़ी देश में या विदेश में रहते हैं। गोपालगंज जिले छपरा सिवान मोतिहारी मुजफ्फरपुर क्षेत्र के हवाई अड्डा चालू होने से उन सबों को लाभ मिलेगा, आवागमन सहज हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे माँ भवानी का स्थल है, जो वहाँ भी श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से, जिनको यहाँ आने में सुविधा मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोगों को सुविधा मिलेगी।